बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैमिली किचन में आज हम बनाएंगे मटन कोरमा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.25 किलो हमारा मटन है, ये दही आधे किलो, प्याज 4 प्याज है ब्राउन किया हुआ, ये गरम मसाला है पिसा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, तेज़पत्ता, दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, लौंग, जावित्री का फूल, काली मिर्च, जीरा। तो ये हमने वही तेल ले लिया है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था, वही तेल है। इसमें हम डाल देंगे मटन। सबसे पहले हम मटन को डालेंगे, तरह से डाल देना है मटन को। सारे खड़े मसाले जाएंगे इसमें, ये सारे पिसे हुए मसाले, इसे भी डाल देंगे हम। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसी के साथ हमने ऐड कर देना है दही। मटन को अच्छे से मिला लेना है। ये मटन कोरमा जो है बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत जल्दी बनता है। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे मटन को गलाने के लिए। ढक्कन से हमें कवर कर लेना है और 3 से 4 सीटी आने तक हमें गला लेना है मटन को। तीन से चार सीटी आ गया है, ढक्कन को खोल के देख लेंगे हमारा गोश्त जो है वो गला या नहीं गला। 8 से 10 बादाम है, इसको हम पीस लेंगे, थोड़ा पानी डाल के पीस लेंगे। 1 से 2 मिनट भून लेंगे हम मटन को। मटन हमारा भून गया है, इसमें डाल देंगे ये पिसा ब्राउन किया हुआ प्याज, ये बादाम का पेस्ट है वो डाल देंगे, थोड़ा पानी डाल के धो के डालेंगे इसको। बस 1 मिनट के लिए प्याज को डाल के भून लेना है। तो मटन हमारा भून गया, अब बस थोड़ा सा हल्का सा पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। ये इस तरह से ग्रेवी तैयार हो गया है, ये देखिए बिल्कुल दानेदार बना है कोरमा हमारा। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, एक बूंद केवड़ा डालेंगे बस, ज्यादा नहीं। कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, ये देखिए। तो चलिए टेस्ट करके दिखाते हैं। टेस्टी टेस्टी कोरमा हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए इस तरह से एकदम दानेदार कोरमा बिल्कुल। बिल्कुल आसान रेसिपी है, आप लोग जरूर बनाएं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।